हेलो दोस्तों, मनोज पिलपिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने भाई बहनों के लिए करंट अफेयर का हाईलाइट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020 के जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें एक या दो क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल सकता है, और मैं आपसे कहता हूं इन चीज़ों को रटना नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ों को रिलेट करके हमें याद करना है। दोस्तों, जो PDF अभी आप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगी, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे और भाई बहनों को इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों वीको कंपनी की हाल ही में नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। दोस्तों, वीको यानी कि वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम जो है वो आलिया भट्ट यूज करती हैं। दोस्तों, वीको की जो क्रीम है दोस्तों कौन यूज करती है? आलिया भट्ट। तो दोस्तों, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट दोस्तों बता दूँ ये एक अभिनेत्री है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2020 में मुंबई शेविंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। दोस्तों, देखा है कि आपने कार्तिक आर्यन की दाढ़ी ज़्यादा बड़ी होती है दोस्तों, अब उसको ज़रूरत क्या होती है? शेविंग कराने की। तो दोस्तों, शेविंग कराने की किसकी ज़रूरत है? किसने? कार्तिक आर्यन को ज़रूरत है दोस्तों। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कार्तिक आर्यन। दोस्तों, ये भी एक बॉलीवुड अभिनेता है। तो मुंबई शेविंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कार्तिक आर्यन। दोस्तों, नेक्स्ट है नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों, इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। अब सुनील शेट्टी कैसे रिलेट करें? अब सुनील शेट्टी दोस्तों बता देता हूँ कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सबसे अमीर आदमी सुनील शेट्टी हैं। दोस्तों, इनके बिजनेस हैं बहुत बड़े बड़े, अगर नहीं पता आपको सर्च करना, सुनील शेट्टी के बिजनेस हैं। ये फिल्म में कम काम करते हैं, लेकिन इनका बाहर का जो सोर्स है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे इनके पास। तो इन्होंने क्या किया, पूरी एजेंसी खरीद ली। तो एजेंसी किसकी है दोस्तों? सुनील शेट्टी की। यानी कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। दोस्तों, बता दें कि जो नाडा की स्थापना हुई थी वो 24 नवंबर 2005 को हुई थी, और इनका मुख्यालय जो है दिल्ली में। दोस्तों नेक्स्ट है एल ओ रियल पेरिस जो प्रोडक्ट की कंपनी है दोस्तों, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अब बता दें दोस्तों, जो ओरियल पेरिस जो अभी, ये भी इनके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे क्रीम वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे दोस्तों, शैम्पू भी आते हैं इनके। अब इसकी ये ज़्यादा क्या हाईलाइट ब्रांड है दोस्तों, और महंगे प्रोडक्ट आते हैं। अब महंगे प्रोडक्ट दोस्तों अब कौन यूज करते हैं दोस्तों? मिताली राज, ये एक महिला क्रिकेटर है, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, धूप में रहती हैं, तो ये ओरियल का जो है प्रोडक्ट यूज करती हैं। तो मिताली राज इनकी ब्रांड बेस्ट है। वहीं अदिति राव हैदरी जो अभिनेत्री हैं दोस्तों, उनको यूज, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर, और शक्ति मोहन, यानी कि तीन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं ओरियल पेरिस कंपनी के, मिताली राज, आदित्य राव हैदरी और शक्ति मोहन। दोस्तों नेक्स्ट है गेटोरेड इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। दोस्तों गेटोरेड इंडिया जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास थे दोस्तों। अब गेटोरेड कंपनी क्या करती है दोस्तों? ये जो है स्पोर्ट्स ड्रिंक कंपनी है दोस्तों। आपने देखा हो कि ग्राउंड में दोस्तों जो बोतल होती हैं, जो स्पोर्ट जो खिलाड़ी पानी पीते हैं दोस्तों, वो ड्रिंक तैयार करती हैं दोस्तों। अब उनको उस ड्रिंक को ज़रूरत किसको है दोस्तों? जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा दौड़ लगाता है। अब दौड़ लगाने में दोस्तों कौन है? हिमा दास है अपनी। अब हिमा दास तो उनको सॉफ्ट ड्रिंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो गेटोरेड कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है हिमा दास दोस्तों। और हिमा दास को जो है डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और ये असम राज्य से संबंध रखती हैं दोस्तों। गेटोरेड कंपनी दोस्तों वो स्पोर्ट्स ड्रिंक कंपनी है, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, पानी वगैरह ड्रिंक के, वो गेटोरेड कंपनी तैयार करती है। नेक्स्ट है टाइटन आई वेयर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। दोस्तों टाइटन की जो कंपनी है दोस्तों, अब टाइटन के प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है दोस्तों? आयुष्मान खुराना टाइटन की घड़ी वगैरह यूज करता है दोस्तों, तो आयुष्मान खुराना के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है कार्स 24 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। दोस्तों कार्स 24 जिनके पुराने कार है कूड़े कौन बेचता है? महेंद्र सिंह धोनी बेचता है। तो महेंद्र सिंह धोनी कार्स 24 के हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा ड्रीम 11 के भी महेंद्र सिंह धोनी हैं, वहीं इंडिगो पेंट के भी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये भी याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है मालाबार ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी मालाबार वीकली कौन है? अनिल कपूर। तो मालाबार ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनिल कपूर दोस्तों। और बता दें कि मालाबार ग्रुप जो है एक ज्वेलरी कंपनी है दोस्तों, ये भी याद रखना हमें। नेक्स्ट है दोस्तों पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों ये पीवी सिंधु हैं, और पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखना है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी।
दोस्तों इनकी भी पीवी सिंधु बनी है, ये याद रखना दोस्तों। 2020 में दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार भी पीवी सिंधु को मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2020 में पद्म भूषण पीवी सिंधु को मिला है, ये याद रखना दोस्तों। आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन हेल्पलाइन और पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अरमानी एक्सचेंज वॉचेज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कार्तिक आर्यन। और बता दें कि जो कार्तिक आर्यन है वो बॉम्बे शेविंग कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि इनकी दाढ़ी होती है दोस्तों ज़्यादा, तो दाढ़ी कटवाने की किसको जरूरत पड़ती है, कार्तिक आर्यन को। और कार्तिक आर्यन जो है अरमानी के प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, तो कार्तिक आर्यन अरमानी एक्सचेंज वॉचेज के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है टाटा पावर के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, दोस्तों टाटा पावर के जो अभी नए एम्बेसडर हैं शार्दुल ठाकुर हैं, ये क्रिकेटर हैं। और बता दूं कि जो टाटा पावर हैं वो निजी क्षेत्रों में विद्युत वितरण करने और उत्पादन करने की कंपनी है, याद रखना दोस्तों टाटा पावर। और इनके जो हैं नए ब्रांड एम्बेसडर हैं शार्दुल ठाकुर। नेक्स्ट है 5G मोबाइल बनाने वाली कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर 2020 में किसे बनाया गया, दोस्तों विराट कोहली को। अब विराट कोहली को अनुष्का से बात करनी पड़ती है, वीडियो कॉलिंग करनी पड़ती है, तो ज़्यादा डाटा किसका यूज होता है दोस्तों, फास्ट किसको चाहिए, विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली हमेशा विदेशों में रहते हैं, वीडियो कॉलिंग करनी पड़ती है, तो दोस्तों किसको जरूरत है, विराट कोहली को। तो 5G मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली दोस्तों। नेक्स्ट है JSW स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर 2020 में किसे बनाया गया, दोस्तों ऋषभ पंत को बनाया गया, ऋषभ पंत एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं दोस्तों। वही नेक्स्ट है ब्लू स्टार कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दोस्तों विराट कोहली हैं। अब इसको रिलेट कैसे करें कि हमें तो वो एसी लगवानी है जो विराट कोहली ने लगवा रखी है, अब विराट कोहली ने कौन सी लगवा रखी है, ब्लू स्टार की, यानी ब्लू स्टार के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, हमें वो एसी लगानी है, तो दोस्तों ब्लू स्टार कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। नेक्स्ट है मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दोस्तों बजरंग पुनिया है, और बजरंग पुनिया जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एक पहलवान है दोस्तों, मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बजरंग पुनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं और एक भारतीय पहलवान भी हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दोस्तों ये गोविंदा हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दोस्तों ये सलमान खान हैं और शिफाली वर्मा अभी करंट में बने हैं दोस्तों, पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान पहले से थे और शिफाली वर्मा अभी बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है दोस्तों, रेड बस कार्स 24 ड्रीम्स 11 और इंडिगो पेंट्स के जो है महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है CRPF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दोस्तों पीवी सिंधु हैं, और पीवी सिंधु जो है आंध्र प्रदेश की भी एंटी करप्शन की जो है और CRPF और की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और 2020 में इनको पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों पद्म भूषण। नेक्स्ट है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक PNB के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली हैं दोस्तों, और विराट कोहली ब्लू स्टार के भी हैं दोस्तों, और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली हैं दोस्तों। बता दें कि PNB की स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1895 को हुई थी। नेक्स्ट है उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि अभी उबर इंडिया ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और पहला ही है, और किसको बनाया दोस्तों, विराट कोहली को, और विराट कोहली PNB के भी हैं और जो है अभी उबर के भी हो गए हैं दोस्तों, और ब्लू स्टार AC के वाले की प्रोडक्ट के भी हैं दोस्तों। नेक्स्ट है वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आमिर खान है दोस्तों, वीवो के मोबाइल लेकर आते हैं आपने देखा होगा ऐड में, तो वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आमिर खान। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हीमा दास दोस्तों, यानी कि डिंग एक्सप्रेस भी बोलते हैं, बड़ी तेज़ी से दौड़ती हैं हीमा दास, तो यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हीमा दास, और गेटोरेड कंपनी की भी हीमा दास ही हैं दोस्तों, जो कि सॉफ्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाती है कंपनी, उसकी भी हीमा दास है। नेक्स्ट है कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दोस्तों ये दो हैं, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा कौशल भारत अभियान के। नेक्स्ट है नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये जया प्रदा हैं दोस्तों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये पदा लक्ष्मी जी हैं। नेक्स्ट है SBI की डिजिटल ऐप योनो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सोपन्ना बर्मन है, जो पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हैं, और बता दें कि हेप्टाथलन खेल से संबंधित हैं और एशियन खेलों में इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया था सोपन्ना बर्मन ने, और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता भी रही हैं दोस्तों। SBI डिजिटल ऐप योनो की ब्रांड एम्बेसडर है सोपन्ना बर्मन, पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हैं।
नेक्स्ट है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सुनील छेत्री हैं और करीना कपूर, और बता दें कि जो सुनील छेत्री हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है दोस्तों, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री और करीना कपूर, और सुनील छेत्री जो है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। नेक्स्ट है स्पेनिश फुटबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों, ये रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा देखिए ये फुट क्रिकेट से संबंध रखते हैं लेकिन फुटबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये याद रखना है रोहित शर्मा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और चीज़ों को रिलेट करके याद करने की कोशिश करें, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और मैं अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे और भाई बहनों को इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, लव यू।